मैं ये उम्मीद थी कि 6 दिनों में घटना के बाद अमूमन कर्फ्यू में ढील हो जाती है, चीजें सामान हो जाती हैं, लेकिन वहां जाकर ये मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। 1.25 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद भी एक ओपन जेल में, पुलिस के द्वारा बनाई गई जेल में रह रही। सबसे बड़ा एक मजाक है कि जिनके ऊपर इल्जाम है वही अपने बारे में जांच कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाई जाए तो खुद नैनीताल की जो डीएम है वो जेल चली जाएंगी। तो ये पूरा जिस तरह से कांड हुआ है उसके दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक वहां की डीएम और एक वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जांच की कमेटी एक मानव अधिकार के नाम से बनाई गई है उसमें पांचों पुलिस के अधिकारी हैं जिनके ऊपर इल्जाम है, और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी बड़ा विरोध नहीं किया मकानों को गिराने का। लेकिन जब मस्जिदों को गिराने की बारी आई तो पहले उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी को मस्जिद के अंदर से जो धार्मिक ग्रंथ और चीजें रखी हुई उनको निकाल लेने दिया, लेकिन प्रशासन ने उसकी बातें भी उनकी बात नहीं सुनी। और वो अधिकारी जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया है, फिर वहां पर महिलाएं उस पर कन्फ्रंट करती हैं मस्जिद तोड़ने के लिए, कर कहती हैं कि जब सुनवाई 14 तारीख की है, मस्जिद में आपकी सील लगी है, तो आप इसको क्यों कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पुलिस वहां पर लाठीचार्ज कर। 1 घंटे के बाद 1.5 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगती है। आग लगाने वाले मोहल्ले की गाड़ियों को भी तोड़ते हैं और पड़ोस में चल रही एक शादी को भी, टेंट को भी आग लगाने की कोशिश करते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं रहा होता और सब ये कहते हैं ये हमारे इलाके के नहीं है। उसके बाद पुलिस अपनी बैरकों से निकलती है और 1000 राउंड फायर करती है, जिसपे लोकल्स के मुताबिक 20, सरकार के मुताबिक 6 और सैकड़ों की तादाद में घायल लोग हो जाते हैं। देखिए, हल्द्वानी में 8 तारीख को ये सब मामला हुआ और हम लोग 14 तारीख को 6 दिनों के पश्चात वहां पर गए थे, और हमें ये उम्मीद थी कि 6 दिनों में घटना के बाद अमूमन कर्फ्यू में ढील हो जाती है, चीजें सामान हो जाती हैं, लेकिन वहां जाकर ये मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। 1.25 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद भी एक ओपन जेल में, पुलिस के द्वारा बनाई गई जेल में रह रही। उसके बाद लोगों ने बताया कि एक प्रॉपर्टी थी मलिक का बगीचा नाम करके, मलिक के बगीचे में एक मस्जिद और एक मदरसा जो 20 साल पहले बने थे उसमें किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट के चलते 8 तारीख को उस प्रॉपर्टी में से 1 तारीख को उस प्रॉपर्टी में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद वहां पर सील लगा दी गई। सील लगाने का मतलब सरकार की सील लगाई गई, सरकार का कब्जा हो गया। फिर उसके बाद ये जिसकी प्रॉपर्टी थी वो लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 14 तारीख को कर रहे हैं। 8 तारीख को जब ये मामले की सुनवाई 14 तारीख को तय हो गई, अचानक शाम में 4 बजे बुलडोजर और नगर निगम के कर्मचारियों का टोला पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पहले उस आबादी के अंदर 5-6 मकानों को गिराता है। लोग विरोध कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी बड़ा विरोध नहीं किया मकानों को गिराने का। लेकिन जब मस्जिदों को गिराने की बारी आई तो पहले उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी को मस्जिद के अंदर से जो धार्मिक ग्रंथ और चीजें रखी हुई उनको निकाल लेने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उसकी बातें भी उनकी बात नहीं सुनी। और वो अधिकारी जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया है, जो ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ वो पावर किसी को दूसरे को देने हैं, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, किसी की बात सुनने से मना करता है। फिर वहां पर महिलाएं उस पर कन्फ्रंट करती हैं मस्जिद तोड़ने के लिए, कर कहती हैं कि जब सुनवाई 14 तारीख की है, मस्जिद में आपकी सील लगी है, तो आप इसको क्यों कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करती है। डीएम बंदा सिंह पर बार बार आरोप, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज करने के बाद फिर वहां पर कुछ कन्फ्रंटेशन होता है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है, और इस पत्थरबाजी में नगर निगम के कर्मचारी और उनके समाज के लोग खुलकर साथ देते हैं। अचानक 1:30 बजे रात में जो है वो 1 घंटे के बाद 1.5 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगती है। आग लगाने वाले मोहल्ले की गाड़ियों को भी तोड़ते हैं और पड़ोस में चल रही एक शादी को भी, टेंट को भी आग लगाने की कोशिश करते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं रहा होता और सब ये कहते हैं ये हमारे इलाके के नहीं है। उसके बाद पुलिस अपनी बैरकों से निकलती है और 1000 राउंड फायर करती है, जिसपे लोकल्स के मुताबिक 20, सरकार के मुताबिक 6 और सैकड़ों की तादाद में घायल लोग हो जाते हैं। ये पूरी
वस्तु स्थिति है, और उसके बाद कर्फ्यू लगाया जाता है, जिसमें कर्फ्यू के दौरान 300 घरों में लोग पुलिस जाती है, महिलाओं की पिटाई करती है, बच्चों की पिटाई करती है, उनसे बदतमीजी करती है, और 300 घरों में वो रेड मारते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं, उनमें से कुछ को अरेस्ट करते हैं, कुछ को डिटेन करते हैं, और 6 दिनों तक ये माहौल चल रहा है।